राज्यसभा सांसद नीरज डोंगी के रेवदर आगमन पर कांग्रेसियों समेत अन्य विभिन्न संगठनों द्वारा उनका जगह जगह स्वागत के लिए स्वागत द्वार बनाया गया। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कस्बे के पंचायत समिति कॉम्प्लेक्स में युवक कांग्रेस विधानसभा कमेटी द्वारा सैकड़ों की तादाद में युवा कार्यकर्ताओं द्वारा राज्यसभा सांसद नीरज डोंगी का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कस्बे के बस स्टैंड के सामने सिरोही कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष आनंद जोशी के नेतृत्व में भी सैकड़ों की संख्या में उनका स्वागत किया गया। वहीं भारती हॉस्पिटल के सामने मंडार हाईवे पर NSUI के नेतृत्व में NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं पंचायत समिति रेवदर के विकास अधिकारी मनहर विश्रोई एवं पंचायत समिति के कर्मिकों द्वारा भी स्वागत किया गया। राज्यसभा सांसद नीरज डोंगी के रेवदर आगमन पर जगह जगह पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों द्वारा स्वागत किया जा रहा था, पर कहीं भी सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं की गई। डोंगी के गाड़ी से उतरते ही दर्जनों लोग उनके स्वागत की दौड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे थे। जहां पूरे भारत में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है और सरकार द्वारा बार बार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क बांधे, पर इस स्वागत में कहीं भी लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था।